नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस सेक्शन। दोस्तों, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मेरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जिसमें हमारे एक स्टूडेंट मिस्टर भूपेश तोमर जी हमारे साथ कनेक्टेड है और मेरे साथ लाइव सीख रहे हैं। तो आप भी देखिए कैसे मेरे साथ लाइव ज्वाइन करते हैं, किस तरह से क्लासेस हमारी लेते हैं। आप भी चाहो तो हमारी क्लासेस लेने के लिए iptindia.com पे डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, मैंने स्क्रीन को शेयर किया और हमने माइक को अनम्यूट किया। अब मेरी आवाज वो सुन सकते हैं और मैं भी उनको सुन सकता हूँ। भूपेश तोमर जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सर आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी प्रोजेक्ट। मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन अलाउ कर दिया है। तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक छोटी सी प्रोजेक्ट को पहले करेंगे, फिर हम टॉपिक को आगे कवर करेंगे। तो बेसिकली मैं अभी कुछ ईमेल आईडी सर्च कर रहा था अपने इस पे गूगल पे, तो मुझे कुछ कम्युनिटीज के डिटेल्स मिले, ईमेल आईडी मिले, इस तरह के डेटाबेस में। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस किसी ने मुझसे पहले पूछा था, तो मैं उसी क्वेश्चन को लाइव आपके साथ करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा मतलब पूरी हिस्ट्री एकदम नेम एड्रेस वगैरह वगैरह डेस्टिनेशन हर चीज यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, दिख रहे हैं? अब मैंने इसको कॉपी करके एक्सेल शीट पे हमने पेस्ट कर दिया, एक्सेल शीट पे इस तरह से पेस्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें इन सबों को कुछ मेल करना है, प्रमोशनल या किसी और चीज पे मेल करना है, तो मुझे इनकी ईमेल आईडी चाहिए, ना कि पूरा इनका हिस्ट्री चाहिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक लेटर से ईमेल आईडी हमने यहाँ पे अलग किया है, दिख रहा है सर? अब ऐसे इन सबों की ईमेल आईडी करना है सर। अब मैनुअल करने में तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये तकरीबन 1000 रो ऑफ डेटा है और इतना टाइम तो काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा ना सर। बिल्कुल, तो हमें कुछ तरीके देखने हैं। तो मैंने हर डेटा को गौर किया, तो ईमेल से पहले यहाँ पे ई डैश मेल और ये आपका सेमी कॉलन दिया हुआ है, दिया हुआ सर। और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि जहां जहां ईमेल आईडी अवेलेबल है, उस ये आपका कॉलन जो है, कॉलन तो है ही, ठीक है? और जहां पे ईमेल आईडी खत्म हो रहा है वहां पे ब्रैकेट और अगेन कॉलन, ठीक है? ठीक है, ऐसा मैं इसके पूरे डेटा में देख रहा हूँ। तो जब भी इस तरह का डेटा मिले तो आपको इनिशियल सेपरेटर को ढूंढनी है कि आखिर सेपरेटर क्या है। तो मैं पूरे डेटाबेस में देख रहा हूँ कि सेपरेशन के लिए ए हमारा है, तो मतलब समझिए कि यहाँ से लेके और क्लोजिंग ब्रैकेट तक का हमें चाहिए। हर यहाँ पे ईमेल आईडी को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, जहां जहां ईमेल आईडी अवेलेबल है, ठीक है? तो कहने का मतलब हो सकता है कुछ कुछ में ईमेल आईडी ना हो, तो कहने मतलब 1000 में मान लीजिए कि अगर 800 भी मुझे निकल जाता है ऑटोमेटिक, तो मुझे मैनुअल वर्क 200 पे करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि 100% ऑटोमेशन तो मुश्किल है, हर जगह पे 100% ऑटोमेशन होना मुश्किल है। तो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कितना परसेंट हमारा ऑटोमेशन हो जा रहा है, क्योंकि अगर 100% ऑटोमेशन हो गया तो फिर हमारी आपकी जरूरत क्या पड़ेगी सर? बिल्कुल सर, हमारा और आपका जैसा है कि इंटेलिजेंस दिमाग लगा के बैठ जाएगा और करता रहेगा, इसलिए क्योंकि 100% अभी वर्ल्ड में अवेलेबल ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल क्या करेंगे बताते हैं आपको। हमने यहाँ पे फाइंड का या सर्च का, दोनों फॉर्मूला सेम होते हैं, लगाया लगाया और यहाँ पे हमने इस कॉलम को इसके अंदर और पहले नंबर से सर्च किया, तो 153 आ गया। फिर मैंने वापस फाइन लगाया और फाइन में बोला क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट सर? और इस क्लोजिंग ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मैनुअली वन देंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो हो सकता है इससे पहले भी कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट हो, तो हमें यहाँ मतलब कि जो कॉलन है उसके बाद का क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए, तो उसके इसमें हमने प्लस वन कर दिया, उसके बाद का क्लोजिंग ब्रैकेट 176 मिल गया। और फिर मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाया एंड बोला कि मेरी डेटा स्टार्ट हो रही है इसके बाद से और नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट माइनस दैट है।
देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट भी आ गया क्योंकि A176 क्लोजिंग ब्रैकेट तक का लोकेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, तो हमें सिर्फ ईमेल आईडी आएगा। अब इसको ऑटोमेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूं और अपने इस फॉर्मूले में कॉपी पेस्ट कर देता हूं, और यहां भी है हमारा, यहां भी है, जहां जहां उसका एड्रेस है उसके जगह पर उसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर दे रहे हैं। फिर वापस इसको हम कॉपी करते हैं और जहां हमारा C1 है वहां इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब इस सबको हम डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं कट करता हूं और इसके बगल में रख देता हूं। और अब इसमें एक चीज और प्रॉब्लम हो रही है ना सर, ये दिख रहा है ना आपको, ये हर एक रो में ब्लैंक है, तो मुझे ब्लैंक को हटाना है। और ब्लैंक को हटाने के लिए आपको क्या बताया था सर, याद है? फिल्टर लगा के जी नहीं, फिल्ट्रेशन तो नॉर्मल सब कुछ करते हैं, आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, आप तो कुछ अलग करेंगे ना सर। देखो हमने बताया था शॉर्ट, क्योंकि फिल्टर में मूव वगैरह होता है तो टाइम लगता है, पीछे के डेटा डिलीट होने के चांसेस होते हैं, तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम होती है सर। तो हमने क्या किया कि सबसे लास्ट हाँ, सॉर्टिंग भी कर सकते, याद आ गया। कर्सर रखते हैं और हम इस पे कर्सर रखते हैं और हम डेटा में अपने होम मेनू बार में जाते हैं और यहाँ शॉर्ट कर देते हैं। तो जितने ब्लैंक्स थे वो नीचे आ गए, आ गए सर। और जो बाकी और जो ये आ रहा है ना लिखा हुआ कुछ कुछ है हेडिंग, वो भी आ गया। इन पे तो ईमेल आईडी है नहीं, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और फिर हम इस इको नीचे ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब जिसमें ईमेल आईडी है तो ठीक है, जिसमें ईमेल आईडी नहीं है उसका भी डेटा यहाँ पे दे दिया। लग गया सर, क्यों दिखा? क्योंकि इस सेमी कॉलन जो हमने लगाया हुआ है सेमी कॉलन, इसमें कहीं कहीं और भी है, समझ गया जी। तो इसका इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि मैं इफ का फॉर्मा लगाऊंगा, लिखूंगा कि इफ इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इफ में सर्च करेगा एट द रेट, इफ दो तीन तरीके हैं, एक तरीका बताता हूँ। इफ हम यहाँ पे एट द रेट देते हैं कि इसमें फाइन फाइन फॉर्मूला फाइन हमने बोल दिया एट द रेट, कि अगर ईमेल आईडी होगा तो एट द रेट होगा ही होगा, बिल्कुल इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो मिट चले, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। पहला तो ये है, अब इसमें एक सर्कुलर रेफरेंस आ गया, से बी वन कर दिया, हमें वन करना था ना, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो जहां जहां ईमेल आईडी नहीं है वहां वहां एरर आ गया, और जहां जहां ईमेल आईडी है वहां वहां यहां दी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था, हमने यहाँ पे जो सेमी कोलन सर्च किया है यहाँ पे हम ईमेल आईडी का ही सर्च कर सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह लिख के, ठीक है ना, क्योंकि जिसमें ईमेल okay. आईडी, जिसमें ईमेल आईडी है वहां पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है ना सर, यहाँ देखो ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है मेल, इसको हम डायरेक्ट इसको पूरे को सर्च करेंगे। देखिए जब पूरे को सर्च करोगे तो फिर वो यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो जो दिखाएगा वो ई से ई तक की पोजीशन दिखाएगा ना सर, लेकिन हमें तो यहाँ चाहिए, तो इतना काउंट मैनुअल काउंट करके फिर आपको उसका देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम इफ वाला मेथड ही इस्तेमाल करें। और यहाँ एरर आ रहा है, अगर एरर नहीं चाहिए तो यू कैन यूज द इफ एरर, और इफ एरर मीन्स का इस्तेमाल इफ एरर। अभी से देख ड्रैग कर देते, ठीक
है सर। जी और इसको मेल वगैरह करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर, फिल्टर में यहाँ आपका ब्लैंक आएगा, ब्लैंक बता दीजिए। तो आपका उतना ही एरिया आया जितना एरिया हमारा 728 ईमेल आईडी हमें यहाँ पे मिल गया, समझे सर? बिल्कुल। एक मिनट। तो दोस्तों देखा किस तरीके से हमने अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हालांकि क्लास आया कंटिन्यू चले रहा कि मैं यूट्यूब पे जस्ट प्रमोशनल वीडियो ही अपलोड करता हूँ, इसलिए मैं ही भी वीडियो को पॉज करता हूँ। अगर आपको इसकी और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाइए, आईपीटी इंडिया को सर्च कीजिए, मैंने तकरीबन 2500 से ऊपर वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, और हमारी पेन ड्राइव भी सेल होती है, तो आप हमारी iptindia.com से पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं, और साथ ही आप चाहो तो हमारी डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, अगर हमारे साथ लाइव इंटरेक्टिव इसी तरह से वन टू वन कोर्स करना चाहते हैं तो। सो प्लीज लॉग इन वेबसाइट iptindia.com।